हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम कर रहे थे कंप्यूटर फंडामेंटल, जिसमें हम पहले 3 यूनिट पढ़ चुके हैं और अब हमारी चल रही थी यूनिट 4। यूनिट 4 में भी हम 2 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक मैंने लास्ट टॉपिक में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर प्लीज देख लीजिए, उससे आपके ये टॉपिक भी आगे तभी समझ में आ पाएंगे और तभी क्लियर होंगे। तो मैं अब तक पढ़ा चुकी हूँ फीचर्स, कंट्रोल पैनल, टास्क बार, डेस्कटॉप, विंडो एप्लीकेशंस एंड आइकन्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये 3 टॉपिक्स। तो आज हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, जो विंडोज एक्सेसरीज है, नोटपैड एंड पेंट ब्रश है। विंडो एक्सेसरीज में ही ये नोटपैड और पेंट ब्रश आते हैं, इन्हें ही वो बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो विंडोज एक्सेसरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सिप्स विद सम हैंडी एप्लीकेशंस नोन एज विंडो एक्सेसरीज। जो कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस होती हैं उन्हें ही हम विंडोज एक्सेसरीज कहते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिप्स करती हैं। जैसे कैलकुलेटर हो गया, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, एक्सप्लोरर हो गया, वर्ड पैड हो गया। ये बहुत सी फ्रीक्वेंटली यूज होती हैं, मतलब बहुत सी एक्सेसरीज हैं और भी, पर ये कुछ कॉमनली हैं जो आप सब भी जानते ही होंगे, तो उन्हें ही हम विंडोज एक्सेसरीज भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम अबव मेंशन एप्लीकेशंस, विंडोज हैज अ फ्यू टूल्स फॉर इज ऑफ एक्सेस एंड सम सिस्टम टूल्स। ये एक पार्ट है मैं एप्लीकेशंस को मेंशन करने का, जिसमें हमारे बहुत से टूल्स होते हैं। तो अब हम इनके बारे में कुछ ब्रीफली जानते हैं कि क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे कैलकुलेटर के बारे में कि कैलकुलेटर क्या है। कैलकुलेटर इज अ कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन इंक्लूड इन ऑल द वर्जन्स ऑफ विंडोज। ये कैलकुलेटर क्या होता है कि कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। ये कैलकुलेटिंग एप्लीकेशन है जो विंडोज में इंक्लूड की गई है। किसके लिए यूज की गई है, किसके लिए इंक्लूड किया गया है, इसका बहुत से वर्जन आते रहते हैं। जबकि इट कैन बी यूज टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशंस, इस साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन। इसके अलग अलग वर्जन है, मतलब सिंपल पहले जो था उसमें हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते थे, फिर कुछ है जिसमें हम साइंटिफिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, अब कुछ है जो प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन भी कर सकते हैं इनके साथ साथ। तो हमारे बहुत से वर्जन भी आते गए और इस तरह के हमारे ये कुछ टाइप हैं। ये भी एक तरह से टाइप ही बोल सकते हो कैलकुलेटर के, जिसमें हम बहुत सी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन तो सब जानते हैं, साइंटिफिक और प्रोग्रामिंग कैलकुलेशन के लिए भी कैलकुलेटर यूज होते हैं जी। तो ये तो सब देखते हैं, यही इसी तरह का होता है कैलकुलेटर, जिसमें हमारी एक स्क्रीन होती है, ये कुछ नंबर्स होते हैं जिसका यूज करना होता है, ये प्लस माइनस। सिंपल वाले में सिर्फ ये 4 यूज होते हैं, बाकी अब ये कुछ और ऐड हुए हैं और भी बहुत सी चीजें हैं जो हम इसमें हम कर सकते हैं अब। सो सेकंड इज नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड इज अ जेनेरिक टेक्स्ट एडिटर इंक्लूडिंग विद ऑल वर्जन्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट अलाउ टू क्रिएट, ओपन एंड रीड प्लेन टेक्स्ट फाइल्स। ये नोटपैड एक तरह का जेनरिक टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें हम बहुत से इसके मतलब विंडोज एप्लीकेशन में इसके बहुत से वर्जन्स है, जिसमें हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज एप्लीकेशन के बहुत सारे वर्जन्स में है ये, जिसे हम कोई भी एक प्लेन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट वगैरह भी कर सकते हैं अब तो। इफ द फाइल कंटेन स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग और इज नॉट अ प्लेन टेक्स्ट फाइल। एक तरह से ये स्पेशल फॉर्मेटिंग होती है, इसमें कोई प्लेन टेक्स्ट नहीं होता कि सिंपल सिर्फ तुमने लिख दिया। इसमें हमारे बहुत से इफेक्ट भी इंक्लूड होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक इफेक्ट, तो वहाँ इस तरह का नहीं होगा, लेकिन कुछ होंगे अलग अलग इफेक्ट होते हैं। इट विल नॉट एबल टू रीड माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड। वो सिर्फ रीड करने के लिए ही नहीं है, उसमें हम इमेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल एग्जाम्पल है ये एक तरह से। अब मैं आपको कुछ इमेज दिखाती हूँ यहाँ पर, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, नोटपैड का है। ये रहा, ये सिंपल है बस, जिसमें हमारे फाइल है, एडिट है, फॉर्मेटिंग है, हेल्प है। हमारे यहाँ पर सिर्फ ये
चार तरह का एक टेक्स्ट एडिटर है, सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर की नहीं होता, जिसमें एक फीचर्स भी, ये भी अभी आया है एडिट वाला, तो हम यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं जी। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो हमारा चैनल, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये पढ़ने में मजा आ रहा हो या आपकी वीडियोस आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज लाइक करें, और कोई भी डाउट होने पर हमें कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, जो ताकि हम अपनी वीडियोस में और इम्प्रूवेशन लाए, वो कुछ और इम्प्रूव करें। अब वो नेक्स्ट टॉपिक है पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश क्या होता है? पेंट ब्रश इज अ रास्टर इमेज एडिटर फॉर मैक ओएस एक्स। इट एम्स टू रिप्लेस मैक पेंट एंड इमेज एडिटर फॉर द क्लासिकल मैक ओएस लास्ट रिलीज इन 1988। अच्छा जी, तो पेंट ब्रश में क्या होता है, ये एक तरह से आपको जी, तो पेंट ब्रश मैक ओएस इसमें जो है, ये एक तरह से एक इसका उपयोग एक इजीली डिजाइन को इंटरफेस करने के लिए किया गया है। मैक पेंट ये एक इमेज को एडिट कर सकता है, उसे क्लासिफाई करने के लिए। ये रिलीज हुआ था 1988 में, लास्ट मैक ओएस में जब ये रिलीज हुआ था। इट इज ऑल्सो नोन एन अल्टरनेटिव टू एमएस पेंट। ये एमएस पेंट में भी होता है, लेकिन ये पता है क्या है कि ये बहुत बड़े जो स्किल्स पर हमारी इमेजेस होती है उसमें नहीं पाया जाएगा, जैसे आपको फोटोशॉप हो गया, GIMP हो गया, इस तरह की पिक्चर एडिटिंग में आपको ये नहीं पाया जाएगा। ये सिंपल चीजों में से सिंपल एक्सपोर्ट करता है, बस PNG में, JP में, BM, मतलब ये इस तरह की फाइल्स भी एक्सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा .png लगा होता है किसी इमेज के आगे, तो ये यहाँ पर बस पेंट ब्रश इन सब चीजों के लिए ही यूज किया जाता है। एक तरह का बड़े स्केल पर हम यूज नहीं कर सकते, उसमें अलग अलग एडिटर्स होते हैं, ये सिंपल के नहीं है। स्टार्टिंग में जब हमें कोई चीज करनी हो तो हम यहाँ से करके, हमें सीखने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। ये रहा एक पेंट ब्रश का सिंपल, जब हमें स्टार्टिंग में कुछ करते हैं तो हम यहाँ से सीख सकते हैं। जैसे ये रहे हमारे कुछ आइकॉन्स थे, यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, कुछ अलग एडिटर है, मतलब इसमें एडिटिंग करने के नहीं है, कुछ ड्रॉ करने के नहीं है, पेंसिल होती है, इरेजर होता है, कलर्स होते हैं, शेप्स होती है, इस तरह से हम इसे एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पेंट ब्रश इस तरह से यूज किया जाता है। अब तक हम आपका 3 यूनिट खत्म कर चुके थे, आज हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। आपको मजा आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज करते रहिए। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज प्लीज इन वीडियो को भी लाइक करें। ये अब हमारे ये सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। आप किसी भी टॉपिक में, कोई से भी, आप से पहले भी जो लेक्चर्स में डाल चुकी हूँ, 3 यूनिट भी डाल चुकी हूँ, इसके भी 2 पार्ट्स आ चुके हैं यूनिट 4 के, आपको जिसमें भी डाउट है आप हमसे कमेंट में बोल सकते हैं। हम जब कुछ भी टॉपिक आपको दोबारा समझ नहीं आ रहा हो, उसे डीपली समझना हो, तो आप वो हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये आज हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का 4th यूनिट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बहुत जल्दी 5th यूनिट भी लाने वाले हैं। ये जिसने भी, मतलब ये जो BCA कर रहे हैं ना, तो BCA के लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियोज हैं। इसमें मैंने सारे टॉपिक वाइज सब लिया हुआ है। इन टॉपिक्स के अलावा कुछ नहीं आने वाला, सिवाय ये बस इन PDF से आप ये टॉपिक क्लियर कर लीजिए। BCA वाले स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बोल रही हूँ मैं, आपका इतना ही बहुत होगा, ये इतना कवर हो जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत यूजफुल है, और इसमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके पुट अप किए जाएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।